ये बताना चाहते हैं कि जो जम्मू में हालात पैदा हुए, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कौन लोग जिम्मेवार हैं, और कर्फ्यू क्यों नाफिज किया गया, और बार का क्या स्टैंड है। सबसे पहले मैं ये आपको कन्वे करना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन नेशन के साथ है। हमारे लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई पॉलिटिकल कमिटमेंट मायने नहीं रखती। हमारे लिए मायने रखती है कि हमारा नेशन जो है, पहले सरे फ्रिस्त हमें अपना नेशन है, उसके बाद सारी बातें। ये जो हालात पैदा हुए जम्मू में, सबसे पहले शुरुआत हुई साइंस कॉलेज से। यहाँ पर कुछ लोगों ने एंटी नेशनल नारे लगाए और हमारे साइंस कॉलेज के बच्चों ने उसको रिएक्ट किया। साइंस कॉलेज के बच्चों के रिएक्शन के बाद बाकी कॉलेजेस, वीमेन कॉलेज, परेड कॉलेज, गांधीनगर कॉलेज, एमएम कॉलेज, सभी लोग, यूनिवर्सिटी, सभी ने इस बात का इत्तेजाज किया कि ऐसे लोगों के लिए जम्मू में कोई जगह नहीं है। उसके बाद इमीडिएटली जो श्रीनगर में मस्कर हुआ हमारे सीआरपीएफ जवान्स का, उसने तो पूरे देश में हलचल मचा दी, और पूरे देश में इवन पॉलिटिकल पार्टीज जो हमेशा एक दूसरे की नुक्ताचीनी करते हैं, उनको भी मजबूरन एक टेबल पर बैठ के नेशन के साथ खड़ा होना पड़ा। हम उस बात की सराहना करते हैं कि इन लोगों को भी ये समझ आई कि नेशन सबसे पहले है, उसके बाद सारी बातें हैं। अफसोस की बात यह है कि आए दिन तक वो लोग जिन्होंने एंटी नेशनल नारे साइंस कॉलेज में लगाए, वो एम्प्लाइज जिन्होंने क्वार्टर्स में नारे लगाए, वो लोग जिन्होंने इधर सुभाष नगर में नारे लगाए शहर के और एरिया, पुलिस ने उनको बचाने के लिए, ये हमारा स्टैंड रहा है कि ऐसी ताकतों को बचाने के लिए कर्फ्यू नाफिज किया गया, और उन लोगों को सरकारी खर्चे पर यहाँ से गाड़ियों में बिठा के श्रीनगर जाके छोड़ा गया। ये बड़ी निंदनीय बात है और हम इसकी कड़ी निंदना करते हैं। यहाँ तक हमारे बच्चों का तल्लक है, यहाँ जहाँ भी हिंदुस्तान के खिलाफ बात होगी, जम्मू में हर शहरी, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी होगा जो नेशन के साथ खड़ा है, उसका रिएक्शन आएगा। आज अगर जम्मू में इस बात का रिएक्शन हुआ तो उन बच्चों पर ये झूठे केस बना के उनको प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, और वो लोग जिन्होंने देश विरोधी बात की, उन लोगों को ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आज दिन तक भी जो कर्फ्यू है, ये किस लिए है? ये सिर्फ इसलिए है कि उन लोगों को बचा के यहाँ से निकाला जाए, और कुछ लोग जिन्होंने हमारे बच्चों को या नेशनलिस्ट ताकतों को मिसक्रियंट्स कहा, उसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। वो मिसक्रियंट नहीं है, वो देश के दीवाने हैं। जिस तरह आपने हिस्ट्री गवाह है हमारी कि जब भगत सिंह जी नौजवान थे तो कितना जुनून था उन लोगों पर, इसी तरह जम्मू के नौजवानों में, जम्मू के स्टूडेंट्स में, जम्मू के लोगों में नेशन के प्रति जुनून है। और जब जब भी कोई भी लोग यहाँ आके एंटी नेशनल बात करेंगे, ऐसा ही होगा, ऐसा ही रिएक्शन होगा, और इससे भी सख्त रिएक्शन होगा, ये हमारा मानना है। बार एसोसिएशन उन सभी बच्चों की सराहना करती है जिन लोगों ने ये एतजाज किया, जम्मू के लोगों की सराहना करती है जिन लोगों ने एतजाज किया, जम्मू के दुकानदार की सराहना करती है जिन लोगों ने एतजाज किया, और गवर्नमेंट को वार्निंग करती है कि भाई जो लोगों ने हालात खराब करने की कोशिश की है, और जिनको कश्मीर के कुछ पॉलिटिशियंस ये जोर से कह रहे हैं कि यहाँ जम्मू में मुस्लिम को खतरा हो गया है, हम उसको कंडेम करते हैं। आज हमारी स्टेट में जो लड़ाई है नेशनल और एंटी नेशनल के बीच, किसी हिंदू मुस्लिम की कोई लड़ाई नहीं है। हम इस बात का हमेशा सराहना की है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग, कुछ सियासतदान उन सेपरेटिस्ट पॉलिसीज को यहाँ नाफिज करते हुए कोशिश कर रहे हैं जम्मू की सोसाइटी को डिवाइड करने की, जो हम होने नहीं देंगे। और बार ने जो स्टैंड लिया है, हम गवर्नमेंट को बड़े क्लियर लफ्जों में ये कन्वे करना चाहते हैं कि उन लोगों के खिलाफ जल्द अज जल्द प्रोसीड करें,
लेकिन जम्मू अगर नहीं किया गया तो जम्मू के हालात जो हैं ये इससे भी ज़्यादा ख़राब होंगे, क्योंकि जम्मू में ऐसी बात हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक, देखिए ना, गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाया जा रहा है। यहाँ के कुछ ऐसे लीडर हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और गवर्नमेंट पर ये प्रेशर बनाने की कोशिश है कि वो मिस्क्रियंस हैं, उनको बुक किया जाए। यहाँ तक हमारा तलक है, हमने यहाँ एक दिन इस थाने में गए, जानीपुर थाने में गए, 20 बच्चों को उन्होंने खाम खा रखा था। जिन बच्चों ने उनका पीछा किया या उनको भगाने की कोशिश की, जो एंटी नेशनल नारे लगा रहे थे, लेकिन बार ने इंटरवीन किया और उन बच्चों को वहां से आज़ाद करवाया। अभी भी एक बच्चा, आज उसकी बेल एप्लीकेशन मूव की है। आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ जहाँ भी नेशनलिस्ट बच्चों को कोई हरासमेंट हो रही है, जहाँ उनके खिलाफ कोई केस किए जा रहे हैं, बार एसोसिएशन ने ऑलरेडी एक कमेटी मुनक्कद की है जो उनका फ्री ऑफ कास्ट उनके केसेस लड़ेगी, लेकिन उसके अलावा पूरी बार उनके साथ खड़ी है। यहाँ डर उन लोगों को होना चाहिए जो एंटी नेशनल बात करते हैं, उन लोगों को नहीं डरने की ज़रूरत है जो नेशन के साथ खड़े हैं, और हम उनकी सराहना करते हैं जो उन्होंने बड़ा पीसफुल तरीके से पूरे बंद को या पूरे 4-5-6 दिन से, अदरवाइज जम्मू में जो हालात थे या जो लोगों के जज्बात हैं उन्होंने बड़ा जब्त किया है, लेकिन इसका पैमाना भी शल्क जाएगा अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने उन लोगों के खिलाफ जो यहाँ ऐसी हरकत करते हैं उनके खिलाफ अगर उन्होंने कानूनी तौर पर प्रोसीड नहीं किया। सबसे शर्मनाक बात यह है कि एक तरफ हमारे जवानों ने शहादत दी और वहाँ कुछ तत्व आतिशबाजी कर रहे हैं और खुशी मना रहे हैं, इससे बुरी बात क्या है। आज बार बार ये देखने को आता है कि कुछ कश्मीर की लीडरशिप जो है वो कहते हैं कि हमारे बच्चों को हिंदुस्तान में तंग किया जा रहा है। आज आपने देखा होगा कि पुणे में कुछ बच्चों ने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जो CRP के जवान शहीद हुए उनके हक में प्रोटेस्ट की। कश्मीर का या पूरे JNK का कोई भी बच्चा जो हिंदुस्तान में पढ़ रहा है, ट्रेड कर रहा है, कोई किसी को तंग नहीं करता है। हाँ, वो लोग जो पाकिस्तान जिंदाबाद की बात हिंदुस्तान में जाके करते हैं उनको बर्दाश्त भी कोई नहीं करेगा। मैं उनको ये एडवाइस करना चाहता हूँ कि ऐसी हरकत से अपने आप को बाज रखें। अगर वो दिल्ली में जाके, मेरठ में जाके, लखनऊ में जाके, पुणे में जाके या आंध्र प्रदेश में जाके हिंदुस्तान के खिलाफ बात करेंगे तो उनको वही ट्रीटमेंट मिलेगा जो एंटी नेशनल को जम्मू की धरती पर मिलता है। क्या है कि बजाय उनके खिलाफ प्रोसीड करें, हमारे बच्चों के खिलाफ प्रोसीड कर रहे हैं जो एक नेशन के प्रति जिन्होंने रिएक्ट किया है। आज पूरा हिंदुस्तान अपने हिंदुस्तान के लिए तैयार है, जान देने के लिए तैयार है, और ऐसी जब एंटी नेशनल कोई बात होती है तो उसमें रिएक्शन लाजमन है। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ तक जम्मू के मुस्लिम का तल्लक है, जम्मू का मुस्लिम हमारी तरह ही बड़ा हिंदुस्तानी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जम्मू में भी एक कोशिश की जा रही है एक नैरेटिव देने की कि भाई गुजर नगर सेंसिटिव एरिया है, बठिंडी सेंसिटिव एरिया है, खड़ीके तालाब सेंसिटिव एरिया है। मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, क्या कहीं इसमें ये जो ऊपर वाला खड़ीका तालाब है, कोई हिंदुस्तान के खिलाफ नारा नहीं लगा, कोई पाकिस्तान की बात नहीं हुई, फिर उन पर ये शक करना, ये एक कश्मीरी लीडरशिप की साजिश है कि जम्मू में जम्मू की सोसाइटी को डिवाइड किया जाए। क्यों सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर करने हैं? हमारी कोशिश है कि हम उन सभी लोगों को लेके एक कुछ नैरेटिव देंगे कि हम सब लोग इकट्ठे हैं, हम में कोई नहीं है, भेदभाव नहीं है, लेकिन कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। मैंने टेक वन में भी एक हमारा कि जम्मू में देखें जी गुजर जो है अनसेफ है, गुजर से दूध नहीं लेना है, ऐसी बातें कर रहे हैं। ये झूठी जो लोग बातें करते हैं, इन लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन ने बुक करना चाहिए। और आज एक
जो रशीद है कोई जिसने एंटी नेशनल नारे लगाए इधर जानीपुर में, उसके बारे में भी हमें अप्रोच किया गया कि आपने कमेटी बनाई है तो भाई इसका भी डिफेंस करें। तो हमारे प्रेम सडोत्रा जी जनरल सेक्रेटरी साहब ने बिल्कुल साफ साफ इनकार किया कि हमारी कमेटी जो है वो नेशनलिस्ट लोगों को प्रोटेक्ट करेगी, नेशनलिस्ट लोगों का काज प्लीज करेगी, उनके केसेस प्लीड करेगी, ना कि एंटी नेशनल को कभी बढ़ावा देगी। एंटी नेशनल के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं।